Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 6th. In this lecture we will complete exercise 3.3. So let's start. Question number 1st. Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. ये कहता है कि हमें जो divisibility test, जो हमारा last का lecture था, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको divisibility test बताया था कि हम किसी number को देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो number 2 से divide होगा, 3 से divide होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, किस से होगा, ठीक है? तो जिन students ने नहीं देखी है, वो हमारे जो description है, उसमें link मिल जाएगा आपको, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कि पहले हम 2 का करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो 2 का चेक करते हैं, जो 2 का मतलब कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए जी, या तो 0 2 4 6 8 ये क्या होना चाहिए। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट ये है 0 2 4 6 तो वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए यहां पे है 0 तो यस ये भी होगा, क्लियर है। यहां पे है 6, 6 है तो क्या है, ये भी होगा, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, यहां पे 5 है, 5 नहीं होता तो क्या आ जाएगा, नो no, ठीक है। यहां पे 6 है तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यहां पे 0 है लास्ट में तो क्या है, ये भी होगा। ये 4 है तो क्या है, ये भी होगा। 6 है तो यस, 0 है तो यस, और इसके लास्ट में 9 है तो ये क्या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे, अब 3 में, 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब जो उसकी सारी डिजिट दे रखी हैं, अगर उसको ऐड करते हैं, जो उसकी डिजिट दे रखी हैं सभी को ऐड करते हैं, अगर वो डिजिट ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो होगा। अब जैसे यहां पे चेक करते हैं, जो पहला है कि 8 और 2 कितने होते हैं जी, 10, ठीक है। डिजिट ऐड करते हैं, 8 और 1 प्लस 2 प्लस 8 क्या है, 11, 11 तो नहीं होता 3 से डिवाइड, तो इसलिए क्या आ गया है, नो। तो हम बाकी में भी यही करेंगे, देखिए इसकी चेक करते हैं, 9 और 9 कितना होता है जी, 18, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, तो क्या हो जाएगा ये 18, मतलब 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, यस सर होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यस। फिर ये कहता है कि 1586 इसको ऐड करें, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 6 20, 20 तो नहीं होता 3 की टेबल में तो नो। यहां पे ऐड करें 7512, ठीक है, 7512 हो गया, 214, 14 भी नहीं आता 3 की टेबल में तो ये भी नहीं होगा। इसको ऐड करते हैं 666 कितने हो गए जी, 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, वो भी नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, नो। फिर यहां पे करते हैं 6 और 3 कितना हो गया जी, 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 3 की टेबल में आता है या नहीं आता, यस सर आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, अब यहां पे देखिए 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27 आता है उसकी टेबल में तो क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा। फिर इसमें ऐड कीजिए 6, 5 कितना हो गया, 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 आता है या नहीं आता, यस सर आता है, तो ये भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा। फिर 6 और 3 कितना हो गया जी, 9, 9 क्या 3 के टेबल में आता है, यस सर, तो ये पूरा भी नंबर क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। उसके बाद करते हैं कि 40683 ने, अब देखिए 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, क्या 30 टेबल में आता है, यस सर आता है, तो ये भी क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। इससे हमारा 2 और 3 के कंटिन्यू है। अब हम बात करेंगे 4 का, यानी कि 4 में क्या है कि 4 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो 4 से करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी यूनिट प्लेस है, क्या है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो है, ठीक है, 4 से डिवाइड करने के, तो 4 से देखते हैं कि 4 से होगा या फिर नहीं होगा। 4 से देखने के लिए हमने क्या बताया था कि जो आपको नंबर दे रखा है, जैसे आपको 128 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जो ये लास्ट वाला जो नंबर है ना, दो डिजिट के, ठीक है, उसको उठाइए, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, 90 है, 90 है, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा ये, 4 2 जा 8, तो ये तो नहीं आता, ये तो रिमाइंडर, मतलब 4 2 जा 8 2 रिमाइंडर, अगर पूरा चला जाता, पूरा डिवाइड होता तो वो होता इससे डिवाइड, लेकिन क्या आ जाएगा इसके लिए, नो। फिर इसके लास्ट के में ये 8 6 उठाता हूं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 6 पे 4 1 जा 4, लेकिन ये भी नहीं होगा, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, नो, क्लियर है। उसका 75 है, 75 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, लास्ट किस में देखिए, ये 2 डिजिट क्या है, 86 है, 86 को आप करके देखिए, ऊपर भी आया था 86, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो। यहां पे देखिए लास्ट के 10, नहीं ये भी नहीं होगा, 14, नो, ठीक है। 56 है, 56 को करके देखिए, 56 को जब करेंगे 4 1 जा 4, 1
रिमाइंडर बच गया है इसके अंदर से, सिक्स और ऊपर से आ गया है तो कितना आ गया है, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो क्या है ये होगा। ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए सिक्सटी, सिक्सटी को आप डिवाइड कराइए, सिक्सटी को डिवाइड कराइए, सिक्सटी को डिवाइड कराया तो क्या आ जाएगा, फोर वन जा फोर, टू जीरो फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो क्या आ जाएगा, यस ये होगा। ठीक है, इसमें देखिए थर्टी नाइन है, थर्टी नाइन क्या होगा, नहीं सर थर्टी नाइन तो फोर के टेबल में आता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी नो हो जाएगा। अब आ जाते हैं फाइव के डिविजिबिलिटी रूल पे। फाइव का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, फाइव वाले में कहता है कि लास्ट में जो इसकी यूनिट डिजिट होती है, वंस प्लेस होता है, अगर वहां पे फाइव या फिर क्या हो जीरो हो तो उससे फाइव से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए एट है, मतलब जीरो और फाइव नहीं है तो ये नो आ गया। यहाँ पे देखिए जीरो है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये यस। यहाँ पे सिक्स है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो। यहाँ पे फाइव है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यस। यहाँ पे सिक्स है तो इसका मतलब नो, यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब यस, यहाँ पे फोर है तो नो। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ये देखना है कि अगर फाइव और जीरो आया हुआ है तो फाइव से पूरा पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सिक्स है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पे जीरो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस। इसका मतलब नाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो। फिर अब आ जाते हैं हम सिक्स के ऊपर, किसके ऊपर आ जाते हैं, सिक्स पे। सिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि सिक्स में अगर कोई भी नंबर टू और थ्री से डिवाइड हो रहा है, टू और थ्री से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिक्स से भी होगा। अब आप चेक करते जाइए, देखिए यस इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा तो इसका मतलब नो। यहां पर देखिए यस यस तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस। यस और नो तो मतलब नो, अगर दो यस मिल जाए तो यस है, अदरवाइज सारे में क्या हो जाएगा, नो। यहाँ पे नो नो तो ये क्या हो जाएगा, नो। यस नो नो, यस यस ये होगा, ठीक है। यस यस होगा, यस और यस तो ये भी होगा, ठीक है। यस और यस, यस ये भी होगा, और नो और यस इसका मतलब ये नहीं होगा। इस तरीके से हमने टू थ्री फोर फाइव सिक्स के कर लिए हैं, अब हम किसके करेंगे, एट के, ठीक है। तो एट का करते हैं, एट में क्या है कि एट में हमें क्या बताया था कि हमें कोई भी आपको जो नंबर दे रखा है उसकी हमें लास्ट के थ्री डिजिट लेने हैं, अगर वो थ्री डिजिट एट से डिवाइड होते हैं तो हमारा नंबर क्या है, क्लियरली एट से डिवाइड होगा, अदरवाइज क्लियरली डिवाइड नहीं होगा। मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, इसके थ्री डिजिट है तो मैं थ्री करूंगा, मैं एट से डिवाइड कराता हूँ इसको 126 को, 126 को मैं 128 को, सॉरी 128 को कराया एट से, एट वन जा एट, यहाँ पे फोर, एट सिक्स जा 48, मतलब ये तो क्या आ गया, यस आ गया। अब ये 990 को कराता हूं, ये क्या है, 990 को कराया तो क्या आ जाएगा, 8 वन जा 8, 9, 8 टू जा 16 और 30, ये नहीं आता इसके टेबल में तो ये क्या आ जाएगा, नो। इस तरीके से जब हम नेक्स्ट कराएंगे इसका भी क्या आ जाएगा, नो, ठीक है जी। इसका कराएंगे 275, ये भी नहीं आएगा तो ये क्या आ जाएगा, नो। 686 का कराएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, नो, ठीक है ना। इसका इसकी थ्री डिजिट लेंगे 210 तो ये भी क्या आ जाएगा, नो, ठीक है। अगले का कराएंगे वो भी नो, ठीक है। अब 856 है, 856 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 बन जाए 8, फिर 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा तो उसकी 5 तो आता नहीं टेबल में, वो जीरो चला जाएगा, फिर 6 आएगा, 87 जा 56, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यस yes, और फिर क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि ये भी नहीं आएगा, फिर नो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, आप सारी डिजिट ऐड करके देख लीजिए, जितनी आपको जो नंबर दिया गया है ना आपको, उन सारी डिजिट को ऐड करके देख लीजिए। ऐड करने पे अगर जो सम आ रहा है, सम का मतलब जो ऐड करने पे आ रहा है, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे बात करते हैं 8 और 2, 128 की बात करता हूं, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 क्या आता है, नहीं तो नो। अब बात करते हैं इसकी 99 कितना हो गया, 18, 18 तो उसकी टेबल में आता है तो क्या आ जाएगा, यस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि 1586 की बात करते हैं तो 86 कितना हो गया जी, 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20, तो ये भी नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा, नो। अब इसकी बात करता हूं मैं 729, 9 और 5 14, 14 भी तो क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि ये 9 की टेबल में नहीं आता। इसकी बात करता हूँ 6 और 6, 12, 12 और 6, 12 और 6 कितना हो गया जी, 12 और 6 18, 18 और 8 26, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी नो, क्लियर है। उसके बाद इसकी बात करता हूँ तो इसमें देखिए 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18 और 3 21, ये भी नो, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं नेक्स्ट की 4 टू 6, 6 और 9 कितना हो गया जी, 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना हो गया जी, 22, 22 और 1, 22 और 1, 23, 20, ये यस, क्योंकि 27 तो आता है 9 की टेबल में। फिर इसकी बात करता हूं 2 और 8, 10, 10 और 11, ठीक है, ये नहीं आएगा,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिक्स और थ्री नाइन, नाइन तो ये क्या हो जाएगा यस। अब इसकी बात करता हूं नाइन और थ्री कितना हो गया जी ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट ट्वेंटी, ट्वेंटी और सिक्स ट्वेंटी, सिक्स और फोर थर्टी, थर्टी क्या नाइन के टेबल में आता है नहीं सर तो नो। अब टेन की मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे देखिए ये इसके लास्ट में जीरो है नहीं है तो ये क्या आ जाएगा नो, इसके लास्ट में जीरो है तो क्या आ जाएगा यस, ठीक है। इसके लास्ट में जीरो नहीं है, जिनके लास्ट में देखिए जीरो नहीं है वहां पे क्या आ जाएगा नो नो नो, ठीक है। यहां पे है तो क्या आ जाएगा यस, फिर नो, ठीक है नो, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा यस, तो यहां पे क्या आ जाएगा नो। इस तरीके से हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 के हो चुके हैं। अब 11 की बात करते हैं। 11 का मैंने आपको क्या बताया था कि जो ओड ओड प्लेस पे है आप उन डिजिट को ऐड कर लीजिए और जो इवन प्लेस पे है उन डिजिट को ऐड कर लीजिए। अगर उनका जो डिफरेंस करते हैं अगर वो डिफरेंस जीरो आता है तो क्या है वो डिवाइड होगा, या फिर जो डिफरेंस आया है वो 11 से डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होगा। तो जब मैं इसकी बात करता हूं इसके ओड प्लेस पे क्या है, एक तो 8 है और एक 1 क्या है 9, 9 में से 2 चले जाएंगे कितना आएगा 7, तो 7 तो नहीं आता तो ये हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं क्या है 9 में से, देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस 0 9 हो गए, और इवन प्लेस पे क्या है 9 तो 9 में से 9 ये 0 तो क्या हो जाएगा यस। फिर नेक्स्ट करते हैं इसके, ये देखिए ओड प्लेस पे क्या है, एक तो ये है, एक ये है 5 6 11, और ये क्या है इवन प्लेस पे 8 और 1 9, 11 में से 9 गया 2 तो फिर क्या आ जाएगा ये 9, क्लियर है। इसमें चेक करते हैं कि 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में से 7 गया तो ये क्या हो जाएगा यस, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं ये 8 6 और 6 12 और 8 और 6 14 तो ये क्या आ जाएगा नो, क्योंकि ये तो 2 बच गया। हमें क्या चाहिए, या तो जो नंबर बचा है वो 11 से डिवाइड हो या फिर क्या हो वो 0 हो। फिर नेक्स्ट की बात करता हूं इसके जो ओड प्लेस पे, एक तो 0 है 2 है और 3 है, कितना है 2 3 5, ठीक है 2 3 5, ठीक है। और इवन प्लेस पे क्या है इसके, सॉरी ओड प्लेस पे ये है 0 2 3 तो क्या है 3 2 5, और इसकी बात करता हूं 6 तो ये क्या हो जाएगा नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करता हूं तो इसमें देखिए ये है और ये है, 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 और 2 13 ये भी नहीं जाएगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा नो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे बात करता हूं 8 और 6 14, 14 में से 5 गए ये भी नहीं आएगा नो, ठीक है। फिर इसकी बात करता हूं 0 और यहां पे 6 9 ये भी नहीं होगा नो, ठीक है। फिर इसकी बात करता हूं तो 9 8 17 17 और 0 ये 4 6 10 17 में से 4 बच गया क्या है नो। इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये बताना है क्या ये 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे ये 72 है, अगर ये जो लास्ट की मैंने इसकी उठा ली है कि 72 है, अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो हमारा क्वेश्चन जो आया है, जो मतलब नंबर हमें गिवन है वो 4 से डिवाइड होगा अदरवाइज नहीं होगा। और जो 8 की थी, 8 में क्या बताता था कि लास्ट की 3 डिजिट उठा लीजिए किसी भी नंबर की और उनको 8 से डिवाइड करा के देखिए, अगर वो 8 से डिवाइड होती है तो वो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा अदरवाइज नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या 72 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4 3 2 कितना आएगा 4 8 जा 32 मतलब यस होता है तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं डिविजिबल बाय 4, मैं यहां पे लिख रहा हूं डिविजिबल बाय 4 क्या हो गया जी, एक तो ए हो गया, ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूं बी की, बी की देखिए आपको लास्ट के 52 उठाना है ना, 52 देखिए 52 को डिवाइड कराइए 4 बन जा 4 यहां पे 12 4 3 जा 12 ये भी हो गया, तो क्या मतलब है इसका कि हमारा जो बी पार्ट है इसका वो भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। फिर बात करते हैं सी की, ठीक है, और यहां पे लिख सकते हो आप डिविजिबल बाय 4 सबसे पहले क्या, या इसमें भी ये भी लिख दोगे कि when we divide last digit of any number divide last two digit of any number, यानी कि कोई भी 2 digit of any number, ठीक है, if last two digit divide by 4 it means the given number divisible by 4, यानी कि वो किससे हो जाएगा 4 से। तो हमारा जो हो गए एक तो क्या हो गया a हो गया है b हो गया है c की बात करता हूं तो 0 तो आएगा मतलब डबल 0 चाहिए तो 4 0 0 4 0 0 तो क्या हो जाएगा c भी आ जाएगा,
क्लियर है जी। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करता हूँ तो इसमें भी डबल जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर इसकी बात करता हूँ, इसमें क्या आ जाएगा, 59 को डिवाइड करा के देखिए, 4 बन जा 4, यहाँ पे 19, 4 जा 16, ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर बात करते हैं इस पे, 60 आता है, यस आ जाता है। 60 को अगर 4 से डिवाइड कराते हो आप, 4 बन जा 4, ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2 4 5 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। क्लियर है जी। उसके बाद इसकी बात करते हैं 84 की, 4 2 जा 8, 4 बन जा, ये भी हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। फिर एच की बात करते हैं, एच की बात करते हैं तो देखिए 72, 4 बन जा 4, यस इसमें भी तो था ना 72, तो ये भी हो जाएगा एच। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आई की, डबल जीरो है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करता हूँ 54 बन जाए, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब ये तो इसका हो गया, अब मैं बात करता हूँ डिविजिबल बाय 8 की, यानी कि 8 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे। डिविजिबल बाय 8 की लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, हम लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट होंगे ना उसको डिवाइड करा के देखेंगे 8 से। इफ लास्ट थ्री डिजिट ऑफ एनी नंबर आर divisible by 8, then the given number is divisible by 8, यानी कि वो जो number है वो क्या होगा, divisible by 8 से divisible होगा, ठीक है। तो आइए अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब देखिए लास्ट 8 3 डिजिट की चेक करते हैं, 572, क्या ये 8 से होता है, 87 जा 56, नहीं आता तो ये नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी लास्ट की 3 डिजिट देखिए, 84 32, यस ये हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। फिर सी देखते हैं, 3 डिजिट है, अगर 2 डिजिट होती 00 तो आ ही जाता, लेकिन 5 है, 5 नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसकी 3 डिजिट है 0 तो ये क्या हो जाएगा, होगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितनी भी 0 चाहिए हमें वो आ जाएंगी। फिर इसकी बात करता हूं मैं 159 की, 8 बन जाए 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करता हूँ 14560 5687 जा, ये होगा एफ हो जाएगा, ठीक है, आप डिवाइड करा के देख सकते हैं। इसकी बात करता हूँ 81 जा, ये नहीं होगा। इसकी बात करता हूँ 7289 जा 72, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, एच। फिर आई की बात करता हूँ, ये नहीं होगा। इसकी बात करता हूँ 81 जा 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 81 जा 8 नहीं होगा। तो हमारा क्या आ गया है कि 8 से जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, ए बी सी डी एफ जी एच आई है, और जो 8 से डिवाइड है वो क्या है, बी डी एफ एच। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू।